हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है केमिकल रिएक्शन का रेट, या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर वन रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट आर है और उसे प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो रेट होगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर वन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। आगे इक्वेशन होगा माइनस डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर, क्योंकि कोई भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट के है। तो आगे इक्वेशन होगा डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर बाई कंसनट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के इंटू के इंटू डी टी। जब इस डी टी को हम लोग उधर इंटू करेंगे तो निगेटिव साइन भी उधर इंटू हो जाएगा। तो आगे होगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये इक्वेशन आना चाहिए। तो चलिए अब आगे का इक्वेशन देखते हैं। डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर। आगे इक्वेशन होगा माइनस डी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर बाई आर इक्वल टू के इंटू डी टी। तो अब चलिए आगे का इक्वेशन को समझते हैं। जब इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो इक्वेशन आएगा माइनस एल एन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई। आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एट इनिशियल स्टेज, जब इनिशियल स्टेज रहेगा रिएक्शन का, जब t इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट। आगे इक्वेशन होगा माइनस log इंटू कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट इक्वल टू k इंटू जीरो प्लस i, जब t इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे t की जगह हम लोग जीरो पुट कर देंगे। तो आगे इक्वेशन होगा i इक्वल टू माइनस एल एन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर नॉट, और इसका i का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम लोग i का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आगे इक्वेशन होगा माइनस एल एन कंसनट्रेशन ऑफ r इक्वल टू के इंटू टी माइनस एल एन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर नॉट। फिर आगे इक्वेशन होगा के टी इक्वल टू एल एन कंसनट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसनट्रेशन ऑफ आर। के टी इक्वल टू हो जाएगा, तो आगे इक्वेशन के टी इक्वल टू होगा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग कंसनट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई कंसनट्रेशन ऑफ आर। के इक्वल टू होगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग कंसनट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई कंसनट्रेशन ऑफ आर, और टी इक्वल टू होगा टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग कंसनट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई कंसनट्रेशन ऑफ आर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।